सच कहूं तो ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा संकल्प पत्र है। आज हालात ऐसे कि घुटना टेक दिया कांग्रेस पार्टी, तो निश्चित तौर पर नक्सली और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हम जो घोषणा ला रहे हैं पूरी तरह से जनता को समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, फिर से राम राज्य यहाँ पर स्थापित होने। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरी शंकर जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दी है, क्या लगता है इसके बाद चुनावी माहौल किस प्रकार से बदलेगा? देखिए, सच कहूं तो ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा संकल्प पत्र है। ये मोदी जी की गारंटी है कि गाँव गरीब किसान का किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विकास हो। जिस राज्य को हमने बनाया, 5 साल में कांग्रेसियों ने इसको उजाड़ा, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। किसानों से लेकर, महतारी से लेकर, प्रदेश की बेटियों से लेकर, खेती से लेकर, सबका हमने इसमें सारी चीज़ों को समाहित किया है। 2 लाख से ज़्यादा हमको यहाँ पर लोगों के सुझाव मिले थे। सारी चीज़ों को लेते हुए मर्म स्पर्शी, सर्व स्पर्शी घोषणा पत्र आप लोगों के बीच में है। और निश्चित तौर पर घोषणा पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी के सारे नेता विचलित हो चुके हैं, शब्दों की मर्यादा उन्होंने खो दी है। और निश्चित तौर पर किसानों के लिए जो ऐतिहासिक घोषणा यहाँ पर माननीय अमित शाह जी ने की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, सरकार बनने के बाद सारे लोगों को मुफ्त में अयोध्या का दर्शन करने हम ले जाएंगे, महतारियों को 12,000 रुपये मासिक भी देंगे, जो खेतीहीन मजदूर है उनको 10,000 रुपये मासिक देंगे। तो हर वर्ग, युवाओं के लिए काफ़ी कुछ है, युवा उद्यमियों के लिए 50% की सब्सिडी, ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की इच्छा के अनुरूप घोषणा पत्र बनाया है। हमारा संकल्प है, कांग्रेस पार्टी के जैसा नहीं है। शराबबंदी कर देंगे, नहीं हुआ। सबको नियमित कर देंगे, नहीं हुआ। वृद्धा पेंशन नहीं मिला, 200 फुट पार्क नहीं बना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनकी बारात निकल चुकी। खुद इनके घोषणा पत्र के संयोजक रहे टी एस सिंहदेव जी कहते हैं हमने 12 घोषणा पूर्ण किया, 12 पूर्ण नहीं किया। तो ये हाल कांग्रेस पार्टी का, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो घोषणा ला रहे हैं पूरी तरह से जनता को समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, फिर से राम राज्य यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। इस घोषणा पत्र के मतलब घोषणा होने के बाद क्या लगता है कितनी सीटों पर अब सरकार के आने की इच्छा? देखिए, अभी प्रथम चरण का चुनाव चूंकि अभी होने वाला है, प्रथम चरण में वोटिंग के बाद ये आंकड़ा हम निकाल लेंगे। द्वितीय चरण में हम जाने वाले हैं, कल मोदी जी की सभा हो रही है दुर्ग में, उसके बाद दुर्ग पूरा संभाग मोदी में हो जाएगा। तो पूरे प्रदेश का वातावरण बदल चुका है। कांग्रेस पार्टी को आज हाल ये है कि कर्ज माफी की घोषणा करनी पड़ रही है उनको, जबकि किसान 2500 रुपये में दिए हैं बोलते हैं। आज हालात ऐसे कि घुटना टेक दिया कांग्रेस पार्टी, चुनाव के पहले ही समर्पण की मुद्रा में यहाँ पर खड़ी है। और आज जो हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है इसने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त किया है। पर अभी भी कर्ज माफी का मुद्दा जो है वो काफी जोरों शोरों से चल रहा है, यहाँ पे कर्ज माफी की बात। कर्ज माफी कोई फैक्टर नहीं है, हम एक मुश्त दे रहे हैं, 4 किस्तों में 2500 रुपये नहीं दे रहे, एक मुश्त। ये पहला ऐसा घोषणा है पूरे भारत देश में, आप देखेंगे ऐसे किसी राज्य में आज तक ऐसा घोषणा नहीं हुआ था। 500 रुपये हम सिलेंडर देने जा रहे हैं, हर वर्ग को राहत दे रहे हैं। तो पहली घोषणा है किसानों के लिए 3100 रुपये, ये ऐसा घोषणा है, इसमें कर्ज की आवश्यकता किसान को नहीं पड़ेगी। और बस्तर में नक्सलियों को लेकर किसी प्रकार की फिलहाल घोषणा नहीं की गई? देखिए, नक्सल मूवमेंट तो हमारा चल रहा है, इस सरकार ने तो 5 साल में कोई नक्सल नीति नहीं बनाया। हमारी सरकार थी, सबसे बड़ी लड़ाई हमने लड़ी, हमने बहुत सारे ऑपरेशन चलाया, प्रहार 1 प्रहार 2। इन्होंने 5 साल में कोई भी ब्लूप्रिंट दिखाया हो, बनाया हो, कोई रोड मैप बनाया हो तो मुझे बताएं। तो नक्सलवाद के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ती है, आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ती है। 16 लाश बीजापुर में पड़ी थी, मुख्यमंत्री जी असम में 2 दिन तक चुनाव में व्यस्त थे, 2 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ, ये इनकी नीति है। नक्सलियों को ले जाकर तेलंगाना में इलाज करवाते इनके कांग्रेस पार्टी के नेता, इनका नक्सल नीति है। तो ये किस मुंह से नक्सलवाद की समाप्ति की और बात करते हैं? कोई ऑपरेशन नहीं चला है, ना विकास की, एक विकास का एक माइलस्टोन नहीं रखा इन्होंने बस्तर में। विकास हमने किया है, हम विकास करेंगे। अगर नक्सलवाद की बात करें तो इस वक्त अभी भी नक्सली जो गतिविधियां हैं वो काफी जोरों शोरों से चल रही है, तो क्या लगता है कि चुनाव शांतिपूर्वक निपट पाएगा? भैया, ऐसा है, नक्सलियों को तो ये क्रांतिकारी कहते हैं, उनके साथ में मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नक्सली और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दिग्विजय सिंह जी ने लोकसभा चुनाव में नक्सलवादियों से समर्थन मांगा था 2014 में, तो किस मुंह से नक्सलवाद को समाप्ति करेंगे, इस बात को समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद के खिलाफ में अपनों को भी खोया है, हमने वहाँ विकास भी किया है, हम नई नीति बनाएंगे। नक्सलवाद के खिलाफ में सबसे बड़ी लड़ाई फिर से छत्तीसगढ़ लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र है उसकी घोषणा आज कर दी गई है। अमित शाह जी रायपुर पहुंचे थे इस घोषणा को करने के लिए। अब देखने की बात होगी कि किस प्रकार से प्रदेश में चुनावी माहौल बदलता है या नहीं, किस प्रकार सीटों का आंकड़ा ऊंच नीच होने वाला है,
ये वक्त ही बताएगा। तब तक आप जुड़े रहिए वोकल टीवी के साथ।